प्रधानमंत्री मोदी बागडोगरा एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट का कल करेंगे शिलान्यास। कावाखाली मैदान पहुंचकर सांसद राजू विश्त ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को बागडोगरा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल परियोजना की आधारशिला कल यानी 20 अक्टूबर को रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि वर्चुअल इसका शिलान्यास करेंगे, लेकिन कावाखाली मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। आज सांसद राजू बिष्ट ने कावाखाली मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कावाखाली मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ने कहा कि बागडोगरा एयरपोर्ट उत्तर बंगाल के लिए एकमात्र वाणिज्यिक हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है, जो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करता है। यह सिक्किम, निचले असम, पूर्वी बिहार और पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से भी यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इसलिए हमारे क्षेत्र में हवाई संपर्क के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे का विकास महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में 20 उड़ानों के साथ प्रतिदिन लगभग 3000 यात्रियों से बढ़कर लगभग 10000 यात्रियों और लगभग 60 उड़ानों के दैनिक संचालन तक यात्री यातायात बढ़ गया, फिर भी हवाई अड्डे की सुविधाएं स्थिर रहीं। मैंने बागडोगरा को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अपग्रेड करने की कल्पना की थी, जो हमारे क्षेत्र के लिए मेरी प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में से एक थी। इस विजन को साकार करने में उनके सहयोग के लिए पीएम मोदी जी। हम के मीडिया साथियों को शुभ विजय और आपके माध्यम से समस्त जनता को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता का एक और सपना पूरा होने जा रहा है और हमारा सपना था कि जो बागडोगरा एयरपोर्ट है वो भव्य बने, विशाल बने और आज जिस तेज़ी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी भी उसी गति के साथ आगे बढ़े। मैं केंद्र सरकार, विशेष करके मोदी जी का आभारी हूँ कि बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति दी है, जिसका कल प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअली कल यानी 20 अक्टूबर शाम को 3 बजे कावाखाली के इस मैदान में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और ऑलरेडी इसका टेंडर हो चुका है और हम सब का टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर में भव्य विशाल जो है बागडोगरा एयरपोर्ट का बिल्कुल नया जो है टर्मिनल खड़ा होकर के तैयार होगा। कल्पना करिएगा, आज 10,000 स्क्वायर मीटर से कम का स्थान में वो टर्मिनल बिल्डिंग बना हुआ है और जब ये बन के तैयार होगा 70,400 स्क्वायर मीटर, मैं दोबारा बता रहा हूँ 70,400 स्क्वायर मीटर का यानी 7 गुना से भी बड़ा भव्य जो है ये टर्मिनल बिल्डिंग होगा, जिसके अंदर में एयरक्राफ्ट एयरबस 321 उतरने के लिए और उनको पार्क करने के लिए 10 एरो ब्रिज के बेस बनेंगे और ये बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न जो है टर्मिनल होगा। और इसके साथ ही जहाँ तक पैसेंजर्स की कैपेसिटी का सवाल है, पीक आवर के अंदर में 1 घंटे में 3000 पैसेंजर को हैंडल कर सकता है, इतना बड़ा होगा। और साथ ही साथ जहाँ बहुत कठिनाई होती है आज ट्रैवलिंग करने में, जब ये बिल्डिंग बन के तैयार होगा साल में 2 करोड़ पैसेंजर को जो है एकोमोडेट कर सकता है, इतना विशाल होगा। और इस टर्मिनल के बनने से इस क्षेत्र में टी हो, टूरिज्म हो, ट्रेवल हो और होटल इंडस्ट्री हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर हो, जो हमारी यात्री है, ट्रेड हो, व्यापार हो, विद्यार्थी हैं, मरीज जो बाहर जिनको जाना आना रहता है, उन सब के लिए ये सुविधाजनक होगा। और इसके कारण मात्र सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग नहीं बल्कि पड़ोस का जो हमारा राज्य है बिहार को भी इसका लाभ होगा, सिक्किम को भी इसका लाभ होगा, आसाम को भी इसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश
को भी इसका लाभ होगा और 2 साल के अंदर बन करके ये जनता के लिए समर्पित होगा। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि 104 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी, उसमें कुछ डिफेंस के पास था, उसके अलावा के राज्य सरकार ने उसको कराने में जो है सहायता की। सो कुल मिलाकर ये एक बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट और एक एसेट जो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की जनता को केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है।